वेलकम टू अमतुल्स फूड डायरीज। अस्सलामु अलैकुम। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, रिज़्क़ और रोजी में बरकत दे, हमें अपने वालदैन के लिए सदका जारिया बना दे, हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। जी तो आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी फ्राइड चिकन। इसके लिए हमने ले लिया है 1 किलो के करीब मैंने लेग्स ली हैं चिकन की, और इनमें कट्स लगा लिए इस तरह। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी कि इसको शिफ्ट कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून, ये हरी मिर्ची का मैंने पेस्ट बना के इस तरह इस फॉर्म में मैं रखती हूँ। ये मैं 1 क्यूब डाल रही हूँ, तकरीबन ये होंगी 4 हरी मिर्चें बारीक वाली। ठीक, और ये हमारा 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 कप, 7 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें विनेगर डाला है, और पानी भर के ये डाल देंगे। ठीक है जी, इसको अच्छे से मिक्स करके इसको हम तकरीबन ओवरनाइट रखें तो बहुत अच्छा है, वरना 4 घंटे तो छोड़े ही छोड़े। ठीक है, इसको और पानी डाल के भिगा दूंगी और फ्रिज में रख दूंगी 4 घंटे के लिए कम से कम। ठीक है जी, 4 घंटे बाद अब इसे हम देखेंगे। अच्छा जी, ये हमने इसका पानी निकाल लिया है, और देखिए मिर्ची इस पे लगी हुई हल्की हल्की। ठीक, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, दक्षिणी मिर्च 1/4 टीस्पून, ओरिगानो ये हमारा 1/2 टीस्पून है, सोया सॉस 1, 2, 3, 4 टीस्पून, चिली सॉस 1, 2, 3, 4। ठीक है, चाहे तो टार्टरी डाल सकते हैं, मगर हमें इतना ज़्यादा बना नहीं रहे। टार्टरी बेसिकली देर तक चीज़ रखने के लिए होती है। जो बिज़नेस करते हैं, जो कमर्शियल बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, वो लोग ज़्यादातर टार्टरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो हमने तो अभी के अभी पका लेना है और खा भी लेना है जल्दी इंशाल्लाह। बस इसको हमने लगाना है और रख देना है तकरीबन 10 से फ्लेवर्स आए हुए हैं। दूंगी 1 घंटा 2 घंटे के लिए, और बहुत अच्छा है जितनी देर रख सकें। मगर हम जो है, मैंने भिगा के 4 घंटे रखा था, और अब मैं इसे बहुत हुआ 1 से 2 घंटे रख दूंगी, और उसके बाद इसको कोट करके तल दूंगी। 1/2 टीस्पून इसमें जो है वो गरम मसाला भी जाएगा, पिसा हुआ 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम ही डालूंगी। बस ये भूल गई थी मैं। अच्छा जी, तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं मुझे इसको मसाला लगाए हुए। आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से अंदर तक लग गया। चलो आप इसको कोट करते हैं। प्लेन मैदा लिया मैंने, क्योंकि मेरा इसमें अच्छा खासा जो है मसाला लगा हुआ है। अच्छी तरीके से हाथ से ही होगा, दबा दबा के। ठीक है जी, चाहें तो अगर स्पाइसी खाना है तो इसमें भी आप नमक मिर्ची ऐड कर सकते हैं, मगर ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बहुत मज़े के बन जाते हैं।
अच्छी तरीके से आपने करना है। अभी मैं खाली इसमें रख रही हूँ, इसके दो कोट मैदे के लगाऊंगी। ठीक है, तेल गरम करने रख दिया मैंने। अब क्रिस्पी फ्राइड चिकन हो और फ्रेंच फ्राइज ना तले जाएं, ऐसे कैसे मुमकिन है। तो हमारे फ्रेंच फ्राइज तले जा रहे हैं। तकरीबन आधा किलो से ज्यादा मैदा लिया हुआ, थोड़ा मैदा ज्यादा लेना पड़ता है। कोटिंग पहले फिर बताती क्या करना। ये मैंने सारे कर लिए, आप देखें मेरे हाथ पे किस तरह से बन गया। अब मैं इसको छानूंगी मैदे को, और ये जो मेरा बचा हुआ है ना, ये मैं इस पानी में डाल दूंगी, ठीक है, ताकि जो स्पाइसेस हैं वो इसमें आ जाए। पहले मैं इसको छान लूँ, फिर बताती हूँ क्या करना। अच्छा जी, ये मैंने मैदे को छान लिया है, इसमें से सारे क्रम्स निकाल दिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो हमने मसाला अपना इसमें ऐड कर दिया था पानी में, इसके दो दो उठाएंगे। बस जितना हमारे मैदे में, जितना हमारे ट्रे में जगह है उतना ही डालेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब इसको अगेन हमने उसी तरह दबा दबा के क्रम्स बनाने हैं। ये देखिए कैसे जबरदस्त बन गए। बस दो बार से ज्यादा नहीं करेंगे, वरना बहुत ज्यादा वो मैदा ही मैदा हो जाता है, कड़क कड़क सा एकदम। अब मैं सारे इस तरह कर लूं, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। अच्छा जी, हमारा तेल अच्छा गरम हुआ हुआ है और हमारे तैयार हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह, बहुत ज्यादा भर भर के नहीं डालेंगे। इसे पांच मिनट डालेंगे और चूल्हे को हाई मीडियम पे रखेंगे। ठीक है, इसको अभी छेड़ेंगे नहीं पूरा, जब तकरीबन पांच मिनट बाद इसको मैं हाथ लगाऊंगी। पांच मिनट हो गए, बड़ी देर में आपको सात मिनट तक बताऊंगी। इस साइड को भी अब हम पांच मिनट के लिए, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तलेंगे। तकरीबन हमें हो गए पूरे 13 से 14 मिनट, हमारे बड़ी जबरदस्त क्रिस्पी फ्राइड चिकन तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार हमारी क्रिस्पी फ्राइड चिकन तैयार हो गई है, एकदम ज़बरदस्त जूसी सी तैयार हुई है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।